तो हम लोग आज बनाने जा रहे हैं सूफले, इटालियन डेजर्ट है ये सूफले। ठीक है, थोड़ी सी आप लोग को इजी तरीके से बताएगा ये। तो ये हमने डाल दिया बटर, 220 ग्राम बटर है, इसको हमने थोड़ा सा गर्म करके डाला इसमें। ठीक है, तो इसमें शुगर डालेंगे 120 ग्राम। ठीक है, इसको थोड़ी देर हम लोग मिक्स करेंगे, पहले ये बटर और शुगर को मिक्स करेंगे। तो इसको हमने 5 मिनट तक मिक्स किया है, शुगर और बटर को, ये दोनों अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। तो ठीक है, अब इसमें हम लोग डालते हैं चॉकलेट। चॉकलेट को मैंने मेल्टेड ऑलरेडी मेल्ट कर दिया है माइक्रो में डाल के। ठीक है, चॉकलेट आपका चॉकलेट बटर सेम क्वांटिटी होना चाहिए, सेम वो वेट होना चाहिए, 220। ठीक है, आप देखते हैं, अब ये देखिए, ये हो गया मेल्ट। तो इसमें अब डाल देंगे चॉकलेट। तो इसमें हम लोग अब डाल रहे चॉकलेट, इसको ये मेल्ट किया था। आप लोग अगर ये चॉकलेट नहीं है तो आप जो बाजार में मिलता है खाने वाला चॉकलेट वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये जो रेसिपी बता रहा हूँ ये आपके घर में हर चीज़ अवेलेबल आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी आइटम ढूंढने के लिए मुश्किल हो जाए, सब आपका इधर उधर दुकान में भी मिल सकता है। तो इसलिए मैंने बना दिया, ये है आपके एक बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल का वो डेजर्ट है। ये एक्चुअली इटालियन डेजर्ट है, तो आप लोग घर में ही बना के इसको हम इनको हाफ ही बना सकते हैं ना, चॉकलेट ना हो तो आप बना सकते हैं। हाफ क्वान्टिटी हाफ बना सकते हैं, ये तो मैंने इधर का अपना पोर्शन के लिए बनाया था। ठीक है, तो इसको अब हम फिर से मिक्स कर देंगे 2 मिनट के लिए। तो ये देख सकते हैं, ये हमने चॉकलेट डाल के इसको मिक्स किया, ये मिक्स हो गया। तो इसमें हम लोग, हमारे पास 4 अंडे हैं। ठीक है, 4 अंडे हम लोग एक एक अंडे करके डालेंगे। एक अंडे डालेंगे, उसको थोड़ी देर घुमाएंगे और उसके बाद दूसरा अंडा डालेंगे, फिर थोड़ी देर घुमाएंगे। तो ठीक है, तो मैं ये कवर में कर रहा हूँ, कवर नहीं हटा नहीं सकता क्योंकि कवर हटाएगा तो मशीन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो कवर डाल के मैं ऊपर से उधर कवर में थोड़ी सी छेद है उधर से मैं डाल रहा हूँ। तो आप लोग अभी ये ऐसे मिक्स हो गया, इसलिए आप लोग अभी दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं इसका। आप लोग कलर देख सकते हैं कैसा हो गया, पेंट किया जैसा हो गया। तो इसमें अब आटा डालेंगे हम लोग। ऐसे करके हम लोग 4 अंडे डाल रहे। ठीक है, राष्ट्रीय अगर हम इसको आसमान से भी गिरा दें तो फिर भी चलेगा। डाला डाला अच्छा है, आप देख सकते हैं अंदर गाढ़ा हो गया। ठीक है, साउंड भी अभी इसका चेंज हो गया। तो इसमें अब हम लोग लास्ट हमारा है फ्लावर, तो फ्लावर इसमें डालेंगे। कौन सा फ्लावर हमने इसमें डाले? स्टाजोनी, कोई भी फ्लावर यूज कर सकते हैं, फ्लावर सही है। ये रहा हमारा फ्लावर, हमने सब डाल दिया। तो इसको और थोड़ी देर मिक्स कर देंगे, ये फ्लावर डालने के बाद ज़्यादा मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा देर खाली मिक्स करेंगे, फ्लावर मिक्स हो जाए बस हो गया, हमारा रेडी है। रेडी,
गया हमारा रेडी। अब इसको एक कंटेनर में डालेंगे स्टील के में, उसको हमें तो ये हमारा ये रेडी है। अब इसके लिए हम वो रेडी करते हैं, इसके लिए कप रेडी करते हैं, ठीक है। हमारा कप है, ठीक है। तो ये कप रेडी करने के लिए आपको पहले इसमें बटर लगाना पड़ेगा चारों तरफ से, जैसे चारों तरफ से बटर लगना चाहिए चारों तरफ, ठीक है। हम लोग एक एक करके पहले सभी में बटर लगाएंगे, उसके बाद इसमें फ्लोर डालना पड़ेगा क्योंकि ये ना चिपके जब हम लोग बनाएंगे। सब बोला था है ना तिमला से हुन्छ ना डो। तो इसमें ये अब फ्लावर डाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। सभी में ये थोड़ा थोड़ा फ्लावर डालेंगे, लेकिन फ्लावर अच्छे तरीके से लगना चाहिए, ऐसे होगा तो आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे डालेंगे थोड़ा सा तो चिपक जाएगा। तो इसमें अच्छे तरीके से डालने का है, ऐसे फ्लावर पूरा फुल लगाना चाहिए, ठीक है। आप ऐसे डाल के घुमा सकते हैं ऐसे ऐसे, इसको दूसरे के ऊपर ऐसे डाल दीजिए, आपका फ्लावर भी हो जाएगा बच जाएगा। ऑलरेडी बनाया है डो वो सूप लेगा, उसको क्रीम बोल सकते हैं हम लोग, वो डालेंगे इसमें। और इसमें हम वेट करके डालेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। ये ग्लास ज़्यादा बड़ा नहीं है तो इसमें ज़्यादा आपका 70 ग्राम हम लोग इसमें डालेंगे, क्योंकि जब पकेगा तो वो थोड़ा ऊपर भी आएगा। तो क्या हम इसको बड़ा बॉल में भी डाल सकते हैं, मतलब किसी स्मॉल कप में अच्छा रहेगा, अगर नहीं होगा तो डाल रहे डालेंगे इसमें 75 ग्राम 70 और हमारा हो गया ये 75 ग्राम। इसको हम फ्रीजर में भी रख सकते हैं, एक महीने तक यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको एक बना के दिखाएगा, ये मैंने इसको ओवन में डाल दिया। ये लगेगा इसका टाइम फ्रेश रहेगा तो 11 मिनट, अगर आप फ्रीजर से डायरेक्ट डालेंगे तो 15 मिनट लगेगा, तो ठीक है। इसका आपका ओवन का टेम्परेचर रहेगा 160 15 मिनट के लिए, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा ज़्यादा ये जब हम लोग ने कोटिंग किया था उसमें कॉफ में थोड़ा ज़्यादा आटा हो गया, इसलिए वो थोड़ा सफ़ेद दिख रहा है, ठीक है। तो आपका ये